आज हम बात कर रहे हैं कस्टम वॉमिटिंग की, एक और टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। और कस्टम वॉमिटिंग में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि 10,000 दिया या 1,000 दिया और यहाँ से कॉमा हम लगा देते हैं, या यहाँ से ना लगाए तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग पे ही जाते हैं। और कस्टम फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे 3 बार हैश कर देते हैं तो 1,000 सेपरेटर हो जाता है। तो 1,000 में दिख रहा है और ये फिर 10,000 में भी आपको दिख रहा है। जैसे मैं 1,00,000 करता हूँ तो क्या हो जा रहा है, 100,000 आ जा रहा है ना सर। बट एज पर इंडियन करेंसी हम लोग इंडिया में जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, क्या बोल रहे सर? हेलो, यस सर। तो इस तरह की करेंसी कैसे, इस तरह के फॉर्मेट हम कैसे डालें, क्योंकि इंडिया में हम काम करते हैं तो उसके लिए एक पेचीदा कोड है जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें इसने ग्रेटर देन लेस देन की बात की है और फिर इसने कॉमा का सेपरेशन दिया है। चलिए एक बार डाल के मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। हालांकि मेरा नहीं है, मैंने इसको इंटरनेट से उठाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने इसको बनाया है, बट आई कैन एक्सप्लेन यू कि ये हुआ कैसे। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम बात जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है। हमने आपको आर्टिकल में बताया था कि हम कोई भी चीज़ कहीं पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि 100 से ज़्यादा कलर करना है तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, कलर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कलर का नेम कि रेड, और फिर यहाँ पे देंगे कि इन ब्रैकेट में ग्रेटर देन 100। चाहे यहाँ पे सेमी कॉलन, और यहाँ आप देंगे ग्रीन, और यहाँ देंगे ग्रेटर देन 100। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिसे 100 से ज़्यादा हुआ वो कलर हो गया। तो इस तरह की कंडीशंस दी जा सकती है आसानी से इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही किया है कि इसने यहाँ दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक अमाउंट दिया है, 1,00,000, 10,000,00,000, 10,00,00,000 करोड़। कि 1 करोड़ हो तो इसने :// :// :// दिया और यहाँ पे 0 दिया। फिर इसने दूसरा कंडीशन लगाया कि अगर ए 1,00,000 से ऊपर हो तो इसने इस फॉर्मेट को यूज किया। ठीक है, अगर मैं यहां पे 1,000 करूं तो एक कॉमा लगेगा, 10,000 करूं तो यहां पे कॉमा लगेगा, और जैसे 1,00,000 करूंगा तो ये लगेगा। ये कोड समझ में आया आपको सर? बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया सर। हाँ, एक बार देखिए, पहले जानिए कि ये क्या कर रहा है। ये जो आप मेन जो है ये है आपका जो कोड है, मेन आपका ये है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम कस्टम में आते हैं और कस्टम में यहाँ हम डबल कोड यहाँ पे :// डबल कोड :// यहाँ पे :// एंड :// एंड :// एंड जी। ठीक है सर, अगर एक कोड देते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पे 45 लिखे दिख रहा है, कॉमा लग रहा है ना सर, समझ रहा है सर आपको कि नहीं? हेलो, यस सर।
पहले भी लग रहा है ना। हाँ पहले भी लग रहा है, इसलिए तो इसने कंडीशन दिया है। इसने पहले यहाँ देखिए, सबसे पहला जो है आपको डबल हैश कॉमा डबल हैश है, तो डबल हैश कॉमा डबल हैश जीरो सबसे पहले ये आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1000 वाला काम कर रहा है, तो इसके जो पार्ट है, मैंने क्या बताया था, हर पार्ट होता है ना सर। तो पहला सेमी कॉलन पार्ट दिख रहे हो, ए रहा। दूसरा सेमी कॉलन के लिए इसने ए दिया हुआ है और तीसरी के लिए ए दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप इस पे कस्टम कोड में आप जाते हैं और यहाँ आप हम मैं बात इसकी बात समझ में आ गई आपको, पहला ये कि डबल को डबल हैश और कॉमा डबल हैश करते हैं तो सिंपल जो हमारा सेपरेटर है वो सेपरेटर लगता है, जो हम यहाँ से भी लगाते हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद इसने लगाया हुआ इसमें कि डबल हैश स्लैश कॉमा डबल हैश स्लैश कॉमा एंड डबल हैश जीरो, तो ये हो गया इंडियन स्टाइल में 1 लाख का। यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, तो ये आपका जो होता है 1 करोड़ का है, ये आपका 1 लाख का है, ये आपका 1000 का है। 3 पार्ट इसमें बांटा हुआ है, ठीक है सर। हेलो। यस सर। तो 3 पार्ट में बांटा है इसने, कि पहला इसने 1 करोड़ के लिए किया, दूसरा इसने 1 लाख के लिए किया और तीसरा इसने अपना 1000 के लिए किया। और इसने कंडीशन दिया कि अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो ए वाला सिस्टम अप्लाई हो, ग्रेटर देन 1 लाख है तो ए वाला सिस्टम अप्लाई हो, अदरवाइज जो नॉर्मली हमारा 1000 वाला चलता हो 1000 वाला अप्लाई हो। अब समझ आया सर कि नहीं? यस सर। मतलब इसमें 3 कंडीशन हो गए सर। जी हाँ, 3 कंडीशन है। एक हम जी। इसने डिफॉल्ट छोड़ दिए हुए हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है कि अगर ये जी। दोनों ना हो तो इसको अप्लाई करें, ठीक है। ठीक है। और ये चीज मैंने इंटरनेट से देखी है, मैं पहले ही बताया हूं, और इसने इसको भी यूज किया है इसने। क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाया भी था इसको, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा भूल रहा था तो मैंने इंटरनेट का सहारा ले लिया। ठीक है। अब इसको देखिए, इसने बाकी चीज सेम लगा है, बस इसमें उन्होंने इसने आरएस लगा दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम। सेम है। ठीक है। आरएस लगा दिया। आर एस की जगह पे आप रुपीज का सिंबल लगा सकते हो। ओके। यस सर। तो इसको आप अपने हिसाब से अप्लाई करें और समझ जाइएगा।